नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शरीर में सूजन का कारण किडनी फेल है या नहीं। किडनी खराब होने पर कई लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें से एक लक्षण सूजन भी है। किडनी की समस्या में आपको शरीर में भी सूजन दिखाई दे सकती है और किडनी के अंदर भी सूजन हो सकती है। अगर आपकी किडनी में सूजन होती है तो उसे नेफ्राइटिस कहते हैं, जिसमें किडनी के फिल्टर, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं और किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। ये सूजन भी तीन तरह की होती है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस कंडीशन में किडनी के माइक्रो यानी सूक्ष्म कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। इन कोशिकाओं का काम खून को फिल्टर करने का होता है। जब इन कोशिकाओं में सूजन आ जाती है तो ये खून की सफाई का काम नहीं कर पाती, जिस वजह से खराब पदार्थ खून में इकट्ठा होने लग जाते हैं। सेकेंड है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इस कंडीशन में किडनी के माइक्रो कोशिकाओं में सूजन नहीं आती, बल्कि नेफ्रॉन के बीच वाले भाग में सूजन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेफ्रॉन के बीच वाले भाग में आने वाली सूजन को इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। थर्ड और लास्ट, किडनी द्वारा खून की सफाई करने के बाद जो खराब पदार्थ निकलते हैं, वो किडनी खराब होने पर यूरेटर्स के माध्यम से ब्लैडर में भेजा जाता है। कुछ मामलों में सूजन पहले ब्लैडर में आती है, फिर यूरेटर से होते हुए किडनी तक पहुंचती है। इस कंडीशन को पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इस वजह से आपको पेशाब पास करने में दर्द और जलन महसूस होती है। वक्त के साथ ये समस्या बढ़ती चली जाती है और किडनी के अंदर होने वाली सूजन से आपको कमर दर्द की समस्या रहने लग जाएगी। तो आप इस लक्षण से भी अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। ये किडनी में होने वाली सूजन या फिर किडनी खराब होने पर शरीर में आने वाली सूजन की समस्या को नज़रअंदाज करने से ये समस्या गंभीर होती चली जाती है और आपकी जान भी जा सकती है। समय से इलाज करवाने से आप अपनी जान जाने के जोखिम को कम कर सकते हैं। आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अपनी सूजन की समस्या में थोड़ी राहत पा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट गर्म पानी में नमक डालकर उसमें एक कपड़ा भिगोकर सूजन वाली जगह पर कपड़े से सिकाई कीजिए, जिससे सूजन में थोड़ा आराम पड़ेगा। सेकंड, 50 ग्राम अंगूर की बेल के पत्तों को पानी में पीसकर छान लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर आप इस पेस्ट का सेवन कीजिए। ऐसा करने से सूजन और किडनी में होने वाले दर्द से राहत मिल जाएगी। थर्ड, पानी में गेहूं के दानों को उबाल लें और फिर इस पानी से सूजन वाली जगह को धोने से आराम पड़ेगा। ऐसा रोज़ करने से आपकी सूजन कम होने लग जाएगी। फोर्थ, एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ लें, कुछ ही दिनों में किडनी की सूजन से राहत मिलेगी। फिफ्थ, आधा लीटर पानी में आधा कप जौ को उबाल लें और फिर उस पानी को ठंडा करके पिए। ऐसा करने से सूजन की समस्या में राहत मिलेगी और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस उपाय को रोज़ कीजिए। सिक्स, एक ग्लास पानी में आधा तोला पुनर्वा डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाएगा तो सुबह शाम सामान्य मात्रा में सेवन कीजिए, जिससे आपको एक ही हफ्ते में किडनी की सूजन से राहत मिल जाएगी। सेवेंथ, पानी के साथ 1/4 चम्मच पिसी हुई हल्दी की फांक लेने से सूजन की समस्या में आराम आने लग जाएगा और धीरे धीरे ये समस्या ख़त्म भी हो सकती है। लास्ट, अनानास का सेवन करने से किडनी की सूजन और किडनी की समस्या से होने वाली सूजन में राहत मिल सकता है। तो आज हमने आपको बताया कि सूजन होने का क्या कारण है और आप इस सूजन को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। धन्यवाद। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर है 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।